क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल की फिर से एक और शीट बनाई जो कि रिवाइज करवा रही है आपको इस टॉपिक को, कि सोलेनोइड के केस में बी क्या होता है, म्यू नॉट एन आई, एच क्या है हमने कर लिया, आई क्या है ये भी हमने कर लिया, काए हमने कर लिया, ये रिलेशन हमने कर लिया, क्यूरीज लॉ हमने किया था सी अपॉन टी, लेकिन यहाँ पर क्यूरीज लॉ क्या होता है कि काए इज इक्वल टू सी अपॉन टी माइनस टी सी, वेयर टी इज क्यूरीज टेम्परेचर। वो कहता है एक मिनिमम टेम्परेचर होता है, अगर आप किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस का टेम्परेचर इस मिनिमम टेम्परेचर से बड़ा कर दो तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म या कम होनी स्टार्ट हो जाती है, तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो काई की वैल्यू कम हो जाएगी, और जितना कम होगा काई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उतनी रिड्यूस हो जाएगी। ये क्यूरीज लॉ हमने किया हुआ है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हमने पढ़ लिया, ये हमने नहीं किया, इसमें अपने बुकलेट में लिख लो, यहाँ एम की जगह आई लिख लो, आई आई और एच याद है, ये कैपिटल एम का मतलब यहाँ पर आई है, तो ये आई कर लो, तो आई और एच अपॉन टी, टी फॉर टेम्परेचर का ग्राफ हमने नहीं किया, ये याद कर सकती हो क्योंकि क्यूरीज लॉ का प्रूफ, क्यूरीज लॉ के बारे में डिटेल हमने नहीं की, पर अगर मार्क करने को आ जाए क्यूरीज लॉ के ऊपर कि आई और एच बाई टी का क्या रिलेशन है या क्या ग्राफ है, तो ऐसा ग्राफ आप मार्क कर सकते हैं। हमने फेरो पढ़ लिया, फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस किया, हमने डायमैग्नेटिक की सारी प्रॉपर्टीज़ की याद है, पर हमने ये नहीं किया डायमैग्नेटिक का टेम्परेचर और काई का रिलेशन, काए डाया का हमेशा नेगेटिव होता था, तो देखो काए इज नेगेटिव, तो ये ग्राफ मार्क करने को आएगा, ये मार्क कर लें प्लीज़ इसमें, ठीक है। फिर हमने फेरो और पैरा की प्रॉपर्टीज़ की, इन प्रॉपर्टीज़ में हमने ये नहीं किया काई का और टेम्परेचर का, पैरा और फेरो का ये रिलेशन है, टेम्परेचर के साथ काई कम होता जाता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, ये मार्क करें प्लीज़, ठीक है। यहाँ तक ये सब हमने कर लिया, ये कंपैरिजन चार्ट है, ये करने की जरूरत नहीं है, सफिशिएंट है। हिस्टेरेसिस हमने कर लिया, सॉफ्ट आयरन स्टील को हमने कंपेयर कर लिया, टेंजेंट लॉ हमने कर लिया, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर का फॉर्मूला हमने कर लिया, ये सारे फॉर्मूला मैंने नोट कर दिए ताकि जो कॉम्पिटिशन तैयारी करेंगे यहीं से मार्क कर लें, बस उनको एनसीईआरटी बुकलेट ओपन करने की जरूरत नहीं है।